तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं चुका हूं रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ वापस। अब ये देखो, आज का मैच है ना बहुत खतरनाक होने वाला, मतलब आज का गेम प्ले। अब देखो, इस गेम प्ले में ना मैं पिस्टल चैलेंज करूंगा, मतलब ये है ना, मैं पिस्टल चैलेंज कर नहीं रहा था। सबसे पहले तो मैं सोलो खेल रहा था, मतलब बहुत दिन से खेला नहीं था तो मैं खेल रहा था। अब देखो, इधर पे ना मेरे पीछे बंदा उतर गया तो मैं इधर पे गन ढूंढने लगा कि मेरे को एक गन चाहिए। लेकिन मेरे को तभी याद आई कि अरे यार, मतलब मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि पिस्टल चैलेंज करेंगे और मेरे हाथ में एक पिस्टल थी, तो मैंने सोचा कि आज पिस्टल चैलेंज ही करेंगे। अब इधर से हो जाती है यार पिस्टल चैलेंज की शुरुआत। अब देखो, इधर पे ना मेरे को कोई सी गन चाहिए नहीं थी, और अब इधर पे देखो बंदा मेरे घर के आगे था। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। अब देखो, इधर पे मैं जाता हूँ, मैं थोड़ी बहुत देखता हूँ, मेरे को ये वाला बंदा दिख जाता है। मैं इसको थोड़ा बहुत डराता हूँ ग्रेनेड कुक करके। अब पीछे बोट आ जाता है, तो देखो मैं इस बोट को तो मारता हूँ, लेकिन जो मतलब जो पीछे वाला बंदा था वो भाई, ये जो मेरे कमरा दिख रहा है ना, इसके अंदर आ गया और वो मेरे को देख ही नहीं पाया। मैंने उसके ऊपर फायर किया, लेकिन वो बंदा क्या करता है, एक बोट को मारता है। और वो बंदा क्या करता है, जो बाउंड्री रहती इधर पे, ये इसके पीछे चला गया। अब देखो, इधर पे मैं क्या करता हूँ, एक ग्रेनेड कुक करने की उसको मतलब डराता हूँ, और वो दिखता है और मैं उसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब देखो, इधर पे ये वाला बंदा तो क्लियर हो गया। अब इधर से मैं जल्दी से उसको थोड़े बहुत एनर्जी ड्रिंक उठाता हूँ। इधर पे मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ ये वाली थ्री स्टोरी पे। अब इधर पे देखो, अब ये वाला बंदा मेरे को दिखा और मैंने उसको डैमेज भी दे दिया। अब वो बंदा डैमेज भी था। अब देखो, इस बंदे पे मेरे को रश करना था, तो मैंने इधर पे देख लिया, हाँ वो हील ही कर रहा है। अब देखो, इधर पे मैं डायरेक्ट गया और भाई ये बंदा हील ही लगा रहा था, मैंने इसको भी मार दिया। और भाई ये वाली चैलेंज में मतलब मैं ना सिर्फ ये वाली जो पिस्टल है, इसका नाम क्या है, P1911 है शायद, P1911 बोलूँगा मैं, इसका यही नाम है शायद, ऐसा ही कुछ है। इसमें 45 का एम लगता है। अब देखो, इसके साथ है ना मैं स्नाइपर भी यूज़ कर लेता हूँ, मतलब स्नाइपर भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि दूर तक के तो मेरे को बंदे देखने पड़ेंगे ना, तो मैं उसका भी यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो, इधर पर मेरे को सामने एक बंदा दिखा, वो ग्रेनेड फेंक रहा था, मैं वहाँ से भाग गया। अब देखो, वो है ना क्या करता है, इस शेक के पीछे आ जाता है, मतलब अंदर घुस जाता है। तो मेरे को क्या लगा था, इस शेक के अंदर मैं ग्रेनेड फेंक दूंगा तो मैं उसको मार दूंगा। और हाँ, ग्रेनेड से ज़्यादा ही मैं ग्रेनेड का भी यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो, इधर पे ना वो ग्रेनेड से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उसके अंदर गया ही नहीं। अब इधर पे ना मैं इसको देख रहा था, लेकिन देखो, और भाई मुझे पीछे से बहुत गंदी पड़ती है। अब ये बंदा ना थ्री स्टोरी पे था दूसरी वाली, और उधर से मेरे को डैमेज दे जाता है। अब देखो, इधर पे मैं कने कौन सी जगह पे बैठ गया और हिल लगाने लगा। अब ये बंदा तेजी से रश करता है मेरे ऊपर, मेरे को पता थी। देखो, मैं जल्दी से इधर आया, मैंने ऊपर देखा और देखो, और भाई ये बंदा जितनी तेजी से रश कर रहा था ना, उतनी जल्दी मैंने इसको लोबी में भेज दिया। अब देखो, मेरा ऑटो पिकअप ऑन नहीं था, मेरे को एक एक चीज उठानी थी जो मैंने उठा ली। अब इधर पे मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, मेरे को ये वाला बोट दिखता है, मैं इस बोट को भी मार देता हूँ। अब देखो, आगे गया मैं, जो उधर पे घर रहते हैं उधर पे गया, इधर पे भी ये वाला बोट दिखता है, इसको भी मैं मार देता हूँ। अब देखो, इससे मैं जैसे ही लूटता हूँ ना, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ इधर पे पीछे वाले इनमें देखने के लिए, कोई है तो नहीं। तभी भाई मेरे को जो नीला वाला घर दिख रहा है सामने छोटा सा, इधर से मेरे को एक बंदे को फुटस्टेप आते हैं, और देखो वो बंदा है ना, पता चल गया तुम्हें वो कौन सी गन लेके बैठा था। वो लेके बैठा था DBS गन, कभी उसकी गोली मेरे में एक छिला के भी चली गई ना, मेरी वहीं पे पेटी बन जाएगी। अब देखो, वो बंदा ना घर के ऊपर गया, मैंने सोचा मतलब ग्रेनेड फेंक दूं, लेकिन ग्रेनेड से कुछ हुआ ही नहीं, तो मेरे को ही रश करना पड़ता है। अब देखो, वो बंदा क्या करता है, जो लाल वाला घर दिख रहा है ना, इसके अंदर चला जाता है। अब मेरे को क्या करना था, मेरे को उधर पे एक स्मोक फेंकना था और मेरे को वो वाले घर के अंदर जाना था। अब मैंने इधर पे पिस्टल का मतलब उसको कर दिया कि भैया मेरे पास पिस्टल है, और वो बंदा मेरे ऊपर रश भी करता है। अब देखो, और भाई मेरे को पता था जितनी दूर मैं उससे होऊंगा उतनी जल्दी मैं उसको मार सकता हूँ, क्योंकि देखो DBS भले ही उसके पास खतरनाक है, लेकिन वो क्लोज में है। अब देखो, मैंने उसको दूर से मार दिया, लेकिन भाई इधर पे ये वाला बंदा जाता है। अब यार देखो, इस बंदे को भी मैंने जैसे तैसे मार दिया। अब देखो, मेरी जो जंप की बटन है ना, वो थोड़ी ऊपर खिसकी हुई, मतलब थोड़ी ऊपर है, तो मैं बार बार है ना मैं स्कोप खोलता हूँ, लेकिन है ना मैं जंप कर देता हूँ धोखे से। अब देखो, जैसे तैसे ना मैं आ गया, मतलब सब ड्रॉप हॉट ड्रॉप खाली कर दिया मैंने। अब मेरे को लग रहा था मैं कार लेके जाता हूँ इधर से दूसरे बंदे देखने के लिए, लेकिन
जोन ने मुझे लो भी भेज दिया कि जाओ भैया तुम अपनी शक्ल देख लो जाके चुपचाप से। अब देखो इधर पे मैं उतरता हूँ, मतलब दूसरे मैच में मैंने सोच लिया था इस बार तो कुछ ना कुछ करके करूँगा, पूरा पक्का पक्का हॉट ड्रॉप करूँगा क्लियर। अब देखो इधर पे मैं सिवर नहीं उतर गया, क्योंकि सबसे पहले हॉट ड्रॉप जो था वो सिवर नहीं था। अब देखो इधर पे मेरे को P90C शायद इससे बोलते हैं ये वाली गन मिली, लेकिन मेरे को लगा कि अरे यार ये ऑटो है, लेकिन है ना ये गन की कैटेगरी में मतलब पिस्तल की कैटेगरी में आती है, लेकिन मेरे को दूसरी पिस्तल मिल गई थी तो मैंने इसको मार दिया। अब वो भैया मुक्के चला रहा है जिससे मुक्के से कुछ होता नहीं है। अब देखो मैंने उस बंदे को भी मार दिया, मैंने इधर पे मस्त एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगाई। अब इधर पे होता क्या है, मेरे को है ना इधर से एक बंदे के मतलब गन का साउंड आता है तो मैं इधर पे देखने आता हूँ और मेरे को ये वाला बंदा दिखता है, मैं इस पे फायर करता हूँ और देखो भाई साहब क्या हेडशॉट मतलब चिपका है मैंने इसमें। ये भैया बहुत तेजी से आ रहे थे, मैंने इनको भी लोबी भेज दिया। अब देखो इधर पे मैंने मतलब मेरा ऑटो पिकअप ऑन नहीं था तो मैं जल्दी से गया और मैंने चेंज किया और मैं इधर पे जाता हूँ, लेकिन भाई मेरे को पीछे से कोई M16 से डराता है। अब देखो यही वो बंदा था, मैंने इसको थोड़ा डैमेज दिया और भाई ये बंदा अब यार देखो जो ये सामने वाला बंदा था ये इतना तेज था, ये जितने भी बोट थे वो सब मार मोर के भग गए, लेकिन ये बोट मतलब मैंने उस पर थोड़ा सा डैमेज दिया तो वो पीछे भग गया वो वाले घर पे। अब देखो मैंने इस बोट को भी मार दिया। अब देखो इधर पे मेरे को पता था उसकी मतलब उस बंदे की मैं मूवमेंट देख के इतना तो पता चल गया था मुझे कि वो बंदा इतना तेज है नहीं। तो देखो मैंने क्या किया, मैं समझ गया ये बंदा तो रश करेगा नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। और देखो और भाई कितने मजे आते हैं जब भाई बंदे AR गन चला रहे हो तुम उन्हें पिस्तल से पेल के भग जाओ, बहुत ही ज़्यादा मजे आते हैं। अब देखो इधर पे ना मैं बाइक मतलब जो बाइक रहती है उठा के इधर आया था, ये कार लेने मतलब एक सिवरनी का राउंड लगाऊंगा, लेकिन भाई कोई मुझे उधर से ही VSS चिपका देता है। और अब मैं इधर पे डर गया, मैं जल्दी से इधर पे कार ले आया उठा के, जल्दी से मैंने घर के अंदर भर दी, इधर पे मैं बैंडेज चेपने लगा। अब देखो इधर पे ना मैं स्नाइपर तो यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे को मिल भी गई थी, लेकिन स्कोप मेरे पास था नहीं, तबड़ा 3x मिला वो मैंने लगा लिया। अब इधर पे ना एक 3-व्हीलर आती है, मैं उस पर एक गोली चलाता हूँ जिससे कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि इतने प्रो प्लेयर अपन है भी नहीं। अब देखो इधर पे ना ये बंदा क्या करता है, शेक के पीछे था तो मैंने क्या करा एक ग्रेनेड कुक किया, लेकिन वो बंदा इधर ही आ गया। अब देखो वो बंदा भी कुछ करने लगा, मेरे को लगा रश करेगा, लेकिन उसने भी नेट की पिन खींची, लेकिन वो स्मोक रहता है तो मैं क्या करता हूँ जल्दी से इधर से नीचे कूद गया। अब देखो वो बंदा भी ऊपर था, मेरे को लगा वो इधर से कूदेगा और इधर पे मेरा कैरेक्टर अटक गया और वो नीचे आ गया, लेकिन भाई ये बैरल की आवाज़ सुन के मेरा दिमाग खराब और भाई बहुत ही गलत मर गया हूँ। लेकिन यार अगली बार मैं इस चैलेंज को पूरा करूंगा और तुम्हें चिकन डिनर करके बताऊंगा। और भाई यही था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।